हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रूल फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अभी तक हमने कौन कौन से रूल पढ़ लिए? हमने 2 का रूल पढ़ लिया है, 3 का पढ़ लिया है, 4 का पढ़ लिया है, उसके बाद 5 और 10 भी पढ़ लिया है। अब किस किस का रूल बच गया है? 11 का, 8 और 6 का, ये 3 रूल बचे हैं। 9 का भी हमने पढ़ लिया है। तो आज हम किसका रूल करेंगे? रूल फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 11 का रूल करेंगे। 11 का क्या रूल होता है? 11 की जो प्रॉपर्टी है ये है कि अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा है, मान लो मैंने लिख दिया 4, 7, 8, 2, ये नंबर लिखा है, तो इस नंबर के देखो 1, 2, 3, 4 ये 4 नंबर हैं, यानी ये फर्स्ट 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, और ये कौन से नंबर पे है? 4 नंबर पे है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 11 का क्या रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। आपको क्या करना है कि जो इवन प्लेस पे डिजिट है, डिजिट मतलब इवन प्लेस मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4, पहले मुझे पता होना चाहिए इवन इवन यानी जो 2 के टेबल पे आते हैं। अब जो डिजिट इवन प्लेस पे, आप देखो 2 यानी 2 प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 7, और इवन कौन सा प्लेस है? 4, और इस प्लेस पे कौन सा है? 2। तो जो इवन प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं उनका सम, सम मतलब उनका प्लस, क्या करना है आपको? सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस में से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। आपने क्या करना है, आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, चाहे वो 4 डिजिट का दे रखा हो, चाहे 5 का दे रखा हो, 6 का दे रखा हो, आपने पहले उनका प्लेस लिखना है कि ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो इवन प्लेस पे है यानी 2, 4, 6, 8 जो इस प्लेस पे होंगे डिजिट, उनको प्लस करके माइनस क्या करना है? किसका सम? इवन ओड नंबर वाले पे, जैसे कि 1 नंबर पे जो है, 3 नंबर पे जो है, या आगे 5 नंबर पे जो है, उनका सम उसमें से माइनस करना है। और माइनस करने के बाद अगर जो उनका माइनस करने पे जो वैल्यू आ रही है, या तो वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 11 से, मतलब 11 की टेबल पे आना चाहिए, या फिर उनका माइनस क्या आना चाहिए? 0। क्या करना है हमें? हमें नंबर जो दिया हुआ है उसके पहले इवन वाले प्लेस पे जो डिजिट है उनका प्लस, माइनस ओड वाले प्लेस पे जो डिजिट है, जैसे मैं अगर इसका फाइंड आउट करूं, इवन प्लेस पे क्या है? 7 प्लस 2, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? 4 प्लस 8, ये माइनस करना है। 7 प्लस 2 क्या हो गया? 9। 9 माइनस 12, ये क्या आ गया? माइनस का 3, लेकिन 3 तो 11 पे नहीं जाता, और साथ में ना ही इसकी वैल्यू क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है? 0 नहीं आई है, इसलिए क्या हो गया? द नंबर इज, इसका मतलब क्या होगा? ये जो नंबर मैंने लिया है ये डिविजिबल नहीं है 11 से। ठीक है, तो ये आज कौन सा रूल हमने किया है? 11 का।